जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बढ़ेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। ऐसी फिल्म जिसने बुक माई शो को ही क्रैश कर दिया। हैरान मत हुई, ये कल्कि का जादू है जो फैंस के सर पर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन कुछ फैंस बहुत नाराज भी हैं फिल्म की एडवांस बुकिंग के प्राइस जानकर। चलिए बताते हैं आपको कि फिल्म का पहला शो कितने बजे स्टार्ट होगा, एडवांस बुकिंग के प्राइस क्या हैं और रिलीज से पहले ही कितना कलेक्शन कर चुकी है फिल्म कल्कि 2898 AD। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नेहानंद और आप देख रहे हैं jagran.com। अगर आपने अभी तक दैनिक जागरण के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, कहीं कोई मसाला मिस ना हो जाए। डरो मत, एक नया युग आ रहा है। 600 करोड़ की फिल्म कल्कि 2898 AD एक स्काईफाई फिल्म है जो कुछ ही दिनों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रभास, दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन स्टारर इस फिल्म में, ढेर सारा एक्शन आपको देखने को मिलेगा। फैंस इस मूवी के थिएटर में रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिल्म की टिकट प्राइस सुनकर थोड़े हैरान परेशान भी हो गए हैं। 5 भाषाओं में रिलीज होने वाली इस फिल्म का लोगों में जबरदस्त क्रेज तो है, लेकिन मंथ एंड में जेब ढीली करने का गम भी है। दरअसल डायरेक्टर नाग अश्विन की कल्कि 2898 AD को देखने के लिए फैंस को ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। तेलंगाना सरकार ने कल्कि 2898 AD के टिकट प्राइस बढ़ाए हैं, वो भी रिलीज के शुरुआती 8 दिनों के लिए। यानी इस राज्य के लोगों को ज्यादा पैसे देकर फिल्म देखनी पड़ेगी। रेगुलर थिएटर्स में टिकट प्राइस 70 रुपए से और मल्टीप्लेक्स में 100 रुपए से बढ़ाए गए हैं। फिल्म के तेलंगाना राज्य में बढ़ते प्राइस को देख कुछ यूजर्स ने नाराजगी जताई है। एक ने लिखा, मंथ एंड में और जून में ऐसे वक्त में जब न्यू एकेडमिक ईयर शुरू होता है और लोगों को फीस भरनी होती है, तब इस फिल्म का प्राइस बढ़ा है। कल्कि 2898 AD एवरेज से भी कम में शुरुआत ले सकता है। वही फिल्म का पहला शो हैदराबाद में सुबह 4:30 बजे से शुरू होगा और तेलंगाना में 5:30 बजे से। इसी के साथ फिल्म के कुछ एक्स्ट्रा शोज भी दिखाए जाएंगे। बात करें एडवांस बुकिंग की, तो भाई बुक माई शो की वेबसाइट क्रैश कर डाली है फैंस ने। बुक माई शो के आंकड़ों को देखें तो 1 मिलियन यानी 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने कल्कि फिल्म को लेकर अपना इंटरेस्ट दिखाया है। कुछ अनऑफिशियल वेबसाइट का डाटा देखे तो हिंदी में तकरीबन 8,000 से ज्यादा टिकट्स बिक चुकी हैं। सबसे ज्यादा तेलुगु भाषा में टिकट्स बिकी हैं तकरीबन 1,90,000। पूरे भारत में ये आंकड़ा देखे तो 2,10,000 से ज्यादा है, यानी 6 करोड़ के आसपास ये कमाई कर चुकी है, वो भी फिल्म रिलीज होने से पहले। इतना ही नहीं, इस फिल्म का क्रेज विदेश में भी देखने को मिल रहा है। USA में कल्कि 2898 AD एडवांस बुकिंग से $3 मिलियन की कमाई कर चुकी है। ये फिल्म पैन इंडिया लेवल पर रिलीज होने वाली है। ये मूवी 27 जून को तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ भाषा में रिलीज होगी। आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।